हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 13th अप्रैल सैटरडे और आज आर्यन के थ्रेड सेरेमनी के पर्पस में यहाँ पे हो रहा है एक छोटा सा पार्टी हम फ्रेंड्स के बीच में, सारे फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो खाना तो आ चुका है जो कि आपने देखा था, तो तब मैडम मिथुन को बोला कि जब खाना आए तो तुम थोड़ा सा शूट वूट कर लेना। अदरवाइज आज कोई भी फंक्शन अगर घर में होता है तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाती आर्यन के पहले, मतलब थ्रेड सेरेमनी के टाइम में भी आपने देखा था, क्योंकि अगर वो व्लॉगिंग करने जाओ ना तो इस पल को, इस टाइम को मैं फील नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए तो ये है वो सारे खाना, इसमें क्या है पता नहीं, सारे स्पून्स है, यहाँ पे चिकन है शायद, ये तो फिश करी है, अच्छा इसमें शायद फिश पातोड़ी है, दाल, रसगुल्ले, चटनी, काशुंदी, वेजिटेबल चॉप और क्या क्या है, मतलब वो सारे इसमें है। मैं अपना मेन्यू आपको बोल दिया, हाँ ये वेजिटेबल चॉप, सैलेड, सारे ऐसे खोल के रखना पड़ा सारे ओपन। अच्छा ये है सारे फिश पातोड़ी, इसके अंदर शायद है पूड़िया। एक्चुअली सारे चीजें ऐसे खोल के रखना पड़ा क्योंकि एक तो है इतना गर्मी, ऊपर से लंच, फूड खराब ना हो जाए। अभी डेढ़ ऑलरेडी बज चुकी है, अभी तक कोई आया नहीं है, तो मैं ये सारे अरेंज कर लूँ। जस्ट अभी मैं तैयार होके आई हूँ, इतने टाइम तक दूसरे काम में बिजी थी। और मिथुन को देखिए आज कितना ब्यूटीफुल दिख रहा एकदम हाल खाता स्पेशल, बंगाली न्यू ईयर स्पेशल कुर्ता, जो कि आर्यन के थ्रेड सेरेमनी पे जहाँ से हमने धोती कुर्ता सारी चीजें लिया था ना, तो वही से ये लिया गया। ढेव अच्छा है, जरूर दिखाओ, ये ऑफर में चल रहा था इसीलिए ले लिया मैंने। और अभी ऑस्कर मेलो का खाना मिथुन मतलब बना के खिला दे और उसके बाद इन दोनों को दो कमरे में शिफ्ट कर दूंगी, देन जब मेहमान आएंगे तो ये भी रिलैक्स और हम भी रिलैक्स। ये है स्वीट्स तालेशाश, और ये जो पीस और जो साइज है ना इसका, ये मैं किसी को नहीं दे पाऊंगी, इतना छोटा छोटा, मतलब इससे अच्छा तो प्रसाद है, प्रसाद इससे बड़ा साइज होता है, तो हम लोग संगम या तो आनंद से फिर से स्वीट्स मंगवा लेंगे। ये एक एक करके दे दूंगी पर उसके साथ और भी स्वीट्स मंगवा लेंगे। यहाँ पे है कोल्ड ड्रिंक्स रेडी, क्योंकि कुछ हो या ना हो कोल्ड ड्रिंक्स होना बहुत जरूरी है इस गर्मी में। और उसके साथ है आइसक्रीम जो कि है यहाँ पे, कितने टूट गए यहाँ पे, इसका कुछ 8-10 तक टूट ही चुके हैं। वैसे ये लोग क्वांटिटी भी काफी अच्छा दिया है, एक्स्ट्रा बहुत सारा दिया है इन लोगों ने, ऐसे ही बात हुआ था हमारे साथ, और कुछ खराब भी हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। एक्चुअली बंगाली में इसे कहते हैं तत्व, तो आर्यन को शादी से पहले ही आर्यन के एक आंटी से, वो वाला आंटी जो कि सबसे क्रिएटिव आंटी है, उसे मिल गया तत्व। चल एक हाथ से ले जा पाएगा, धीरे 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 धीरे। আপনার পৈতের খাওয়া থোড়া খাকে বাতাও। रात की अभी 10:30 है ना, 10:30 ही होगा। तो अभी भी हम लोग हमारे एक फ्रेंड के घर गए थे क्योंकि उनके घर भी आज था सत्यनारायण का पूजा,
जो कि पहले हमें पता नहीं था। आर्यन के थ्रेड सेरेमनी का और सारे चीजें रेडी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने मतलब सारे चीजें मतलब हर टाइम तो ऐसे डिस्कशन नहीं होता, तो वो भी अपने घर में पूजा की तैयारी कर रखती और मैं भी यहाँ पे सारे चीजें ऑर्डर कर लिया था उस दिन के लिए, तो वो हमारे यहाँ पे नहीं आ पाए क्योंकि लंच में कैसे आते, उनके घर पूजा था। तो आज डिनर पे उनके वहाँ पे हम पूरा ग्रुप चले गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आ सकती, तो क्या हुआ तुम लोग तो आ सकते हो, तुम लोग डिनर यहाँ पे करोगे। तो इसलिए हमने क्या किया, आर्यन का ये जो लंच पार्टी था ये एक्चुअली हमारा डिनर पार्टी होने वाला था, पर उनके वजह से, क्योंकि अगर डिनर पार्टी होता तो जबकि मैंने सबसे पहले सारे प्रिपरेशन किया है सारी चीजें, तो मेरे यहाँ पे सब आते, तो इसलिए मैंने इसे लंच में कन्वर्ट किया और उसका तो डिनर पार्टी वैसे ही था, तो दोनों तरफ ही थोड़ा सा बैलेंस हो गया। पूरा खाना ऐसे बाकी है, मतलब रह गया है, और इतने सारे खाना ये सब कहाँ पे रखूँ, कुछ जगह नहीं मिल रहा है, ठूस ठूस कैसे भर के रखा है यहाँ पे। और जो लोग आए थे उनको भी वो जितना भी एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्सेस था मेरे पास ऐसे स्टोरेज, वो सारे चीज़ में सबको दे दिया, उसके बाद भी इतना रह गया। और आज रात तो कोई नहीं खाने वाला था क्योंकि आज रात उनके वहाँ पे हमें जाना था, कल है पहला वैशाख। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो जिस दिन भी पब्लिश होगा तो उस दिन तो पहला वैशाख हो चुका होगा, तो हैप्पी पहला वैशाख, शुभ नववर्ष, हैप्पी बंगाली न्यू ईयर। तो चलिए आर्यन का गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं क्योंकि आर्यन इसे खोलने के लिए बिल्कुल बोल रहे थे मम्मा फिर खोल दूँ, और आर्यन का खोलना मतलब इतना खराब तरीके से वो गिफ्ट रैप खोलता है, इसका तो मैंने बोला कवर करो अच्छे से, गिफ्ट खोलना चाहिए तो ही उसका मजा है। वैसे मैंने भी वैसे ही खोला, सॉरी। मतलब वहाँ पे गया है बेटा, अगर माँ पे जाता है तो अच्छा है, और बेटी अगर बाप पे जाता है तो अच्छा है, सुना है ऐसा। बेटी अगर बाप का टाइप का फेस होता है, बेटा अगर माँ के टाइप का फेस होता है तो अच्छा है। आर्यन का एक डायरी पर्सनलाइज्ड, यस आर्यन, ये पर्सनलाइज्ड पेन उसमें भी है आर्यन, ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगता है। बॉटल इसमें भी आर्यन, सोने का प्लेट 24 कैरेट का प्लेट, दो कटोरी, अच्छा अंदर सिल्वर भी है, कितना क्यूट है, ग्लास देखा मेरे साइज का, ग्लास तुम्हारे साइज का, देखो पेट, उसका पेट निकला हुआ है पर बहुत खूबसूरत है सीरियसली, वाओ नाइस टी शर्ट, अर्जेंटीना का ब्लू एंड व्हाइट, इसी टाइप का लेकिन ब्लू एंड व्हाइट, वही मतलब देखा देखा हुआ लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ये कभी ट्राई करके देखना। समर के लिए एकदम परफेक्ट, और तेरे साइज की सबसे भी एकदम परफेक्ट स्मॉल। कुर्ता आर्यन ने कभी ऐसा पहना नहीं, जींस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लुक आता है। इसके साथ कुछ फ्रोजन जो मोमो और क्या बोलते हैं उसे चिकन पैटी रहता है तो वो था, जूस का बॉटल था, और तो आर्यन जो जो पसंद करता है, आर्यन जो जो पसंद करता है वो सारे चीजें, चिप्स भी था वो मेरे पेट में है, वो हमारे पेट में है। और ये गिफ्ट के साथ और एक आया है, ये भी और एक गिफ्ट के साथ, चॉकलेट वगैरह नहीं मिलता फैब इंडिया का गिफ्ट कूपन है। फैब गिफ्ट